हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि झारखंड आईटीआई एडमिशन के लिए जो डेट्स है वो रिलीज़ कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपडेट मैंने प्रीवियस डाला ही अपने चैनल में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके आप वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उसमें मैंने सारा चीज़ क्लियर कर दिया था कि कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब है, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग बस खाली सोचे कि मैंने तो 8 या तो 10th कंप्लीट कर लिया, इसके बाद मैं अपना आईटीआई में एडमिशन लूँगा, है ना। तो भाई, अगर आप ये सोचो कि मैं आईटीआई करूँगा तो आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, आईटीआई में पढ़ाई करने के लिए, है ना, तो उसके लिए क्या क्या मेन चीज़ जानना ज़रूरी है। जैसे कौन सा बेटर कॉलेज रहेगा आपके लिए एडमिशन के लिए, है ना, कौन सा कितना गवर्नमेंट कॉलेजेस है झारखंड में, उसमें से कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा, और जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो उस टाइम आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और साथ ही साथ आपका मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, मैं आईटीआई के साथ साथ 12th या तो ग्रेजुएशन वगैरह कर सकता हूँ कि नहीं, है ना। और लास्ट ऑप्शन ये क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर, आईटीआई करने के बाद स्कोप क्या है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में ये सब चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक एक टॉपिक के साथ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले पॉइंट है आपका फॉर्म फिलअप डेट, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है स्क्रीन में, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म फिलअप डेट, जो कि मैंने बता दिया, जो कि 15 जून से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। और इसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, आपके रैंक के बेसिस, आपके 8 या तो 10th का रिजल्ट के बेसिस पे आपका झारखंड में अलग से रैंक बनेगा। जिसका अच्छा रैंक रहेगा, 1st, 2nd, 3rd रैंक रहेगा, उसी के हिसाब से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलता है, और जो कॉलेज आपको मिलेगा और उस कॉलेज में जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में, जो कि सबसे पहले आपका 8th का मार्कशीट, उसके बाद 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। बहुत ऐसे जो स्टूडेंट है जो लोग 8th के बेसिस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो लोग 8th के बेसिस में अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 8th का मार्कशीट देना ज़रूरी रहेगा, और जो लोग 10th के बेसिस में अप्लाई करेंगे तो उनको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग दोनों अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी होता है, 8th और 10th दोनों अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको उस दोनों में से आपको 8th वाला में, 8th में जो आपको जो ट्रेड मिलेगा, अगर वो ट्रेड अगर पसंद आता है उस कॉलेज में, तो आप 8th के बेसिस पे आप अपना 8th का मार्कशीट दिखा सकते हो। और अगर आपको 10th के बेसिस पे जो आपको ट्रेड मिलेगा, बेटर कॉलेज जो मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप अपना 10th के बेसिस पे अपना मार्कशीट या तो सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका 3rd पॉइंट, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जो ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करे या तो OBC कैटेगरी से बिलोंग करे, तो उनके लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के टाइम में दिखाना होगा, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट है, आप अपना कोई भी CSE में जाइए, वहाँ पर जाके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। बहुत ऐसे कैफ़े वगैरह मिल जाएगा जो ये सब सर्टिफिकेट बनाता है, तो वहाँ जाकर अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो स्कूल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको स्कूल से ले लेना होगा, ठीक है। याद रहे, पास आउट होना ज़रूरी है, 10th या तो 8th पास आउट होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो कि मैंने आपको अभी बताया, TC जो स्कूल द्वारा मिल जाएगा, कोई इश्यूज़ नहीं है, है ना। उसके बाद आपका नेटिविटी सर्टिफिकेट, बहुत ऐसे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई नेटिविटी सर्टिफिकेट क्या है। नेटिविटी मतलब ये है कि आप जिस जगह से बिलोंग करें उसका जो सर्टिफिकेट बनता है, जैसे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं नेटिविटी सर्टिफिकेट। अगर आपने ये बनवा लिया तो अच्छी बात है, तो और अगर आपने नहीं बनवाया तो जाके बनवा लीजिए, वहीं CSE में ही बन जाएगा। बोलना है कि सर, भैया मेरे को अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप जाके बनवा सकते हो, ठीक है। और अभी से बनाने दे दीजिए, क्योंकि टाइम लगता है बन के आने में, कम से एटलीस्ट 1 to 2 मंथ लग ही जाता है ये सब सर्टिफिकेट बनने में, ठीक है। तो CSE में जाइए, वहाँ जाके अपना ये सब डॉक्यूमेंट, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हुआ और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ, ये सब बनवा लीजिए, ठीक है। और है आपका मल्टीपल कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको ले जाना हो। ये सब जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको
ले जाना होगा एडमिशन के टाइम में। और जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपसे खाली फोटो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर मांगता, और उससे ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है, ठीक है। बट ये सब जो डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको बताया, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये सब आपको अभी से बना के रखना होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका। अब नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस लिस्ट। तो भाई कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सो ये है आपका टोटल मतलब जो ITI कॉलेजेस का लिस्ट, जिसमें आपका 58 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस है, फिर उसके बाद 256 प्राइवेट कॉलेजेस है, और आपका जो बाकी जो जो है ITI अदर PPP कॉलेजेस है, प्राइवेट PPP कॉलेजेस है, यहाँ पे सबका लिस्ट दिया हुआ, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात की जाए, यहाँ पे 58 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे आपको जो कि यहाँ पे लिस्ट पूरा दिख रहा होगा, कितने कितने कॉलेजेस यहाँ पे, ठीक है ना, और कितने प्राइवेट कॉलेज है, ये सब आप खुद से देख सकते हो। इसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ से जाके लिंक को ओपन करके आप यहाँ पे खुद से देख सकते हो कितना गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितना प्राइवेट कॉलेजेस है, कितना PPP कॉलेजेस है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये कि टॉप गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस लिस्ट विथ हॉस्टल अवेलेबिलिटी। अब बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, कितना सीट्स अवेलेबल है ना। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो पहले से ही अपने चैनल में डाल चुका है ना। मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अब वो प्लेलिस्ट को ओपन बस कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, 3-2 वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। सो ये है मेरा प्लेलिस्ट, जहाँ आपको दिख रहा होगा टॉप ITI गवर्नमेंट ITI कॉलेज लिस्ट इन झारखंड, ये भी देख लीजिएगा, ये भी आप देख लीजिएगा, और ITI हॉस्टल अवेलेबिलिटी, कहाँ कहाँ आपको हॉस्टल अवेलेबिलिटी है, और साथ साथ कितना फीस लगेगा ये सब गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में, सारा चीज़ वीडियो मैंने डाल चुका है। ये बस प्लेलिस्ट को ओपन करना है, आपको ये सब वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, जो आपको मुझसे क्वेश्चन करना हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो में का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और मुझसे जो भी क्वेश्चंस करना हो आप मुझे इंस्टाग्राम में क्वेश्चन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें भी जाके ज्वाइन हो जाइए, और कुछ भी अपडेट्स हो मैं टेलीग्राम चैनल में भी दे दूँगा, है ना। और टेलीग्राम चैनल में मैं इस प्लेलिस्ट का भी लिंक वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, वीडियो में भी तो मेंशन करूँगा ही, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो सारा चीज़ आपको मेंशन कर दूंगा, लिंक्स वगैरह बस आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट, कैन वी डू बोथ ITI एज वेल एज 12th और ग्रेजुएशन। बहुत ऐसे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैं 12th मतलब ITI के साथ साथ 12th या तो ग्रेजुएशन कर सकता हूँ। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, आप दोनों चीज़ एक साथ मैनेज कर पाओगे कि नहीं। क्योंकि देखिए, जब अगर बाय चांस अगर आपका ITI में एडमिशन हो जाता है, बहुत अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो भाई आपको तो क्लासेस तो करना ही होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई आपको क्लासेस नहीं करना हो, है ना, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो क्लासेस नहीं करवाता है और आप क्लास करने नहीं जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो अगर आपको कहीं पे कोई भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आप क्लासेस वगैरह करना होगा, जो कि टाइमिंग रहता है 9 से 3-4 बजे तक, ठीक है। तो भाई जब आप ITI कॉलेज में आप जब जाओगे पढ़ने के लिए, तो भाई वहाँ 12th के लिए जो आप क्लासेस जाओगे तो आप कैसे जाओगे भाई, टाइम भी तो देखना होगा ना भाई। आप ITI भी करोगे साथ ही साथ अपना 12th का स्टडीज़ भी करोगे, तो ऐसे कैसे चलेगा, है ना। ऐसे आप कर सकते हो 12th आप NIOS से कर सकते हो, जहाँ उतना क्लास होता नहीं है, और सिर्फ आपको बस जाके एग्ज़ाम देकर अपना सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। और अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई ITI के साथ साथ 12th भी करोगे, दोनों चीज़ का आप क्लासेस करोगे, तो भाई दोनों करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा, या तो आप ITI कीजिए, या तो आप 12th कीजिए, नहीं तो ग्रेजुएशन कीजिए, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, या तो आप ITI कीजिए, या तो आप 12th कीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। आप दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर पाओगे, आप दोनों का स्टडीज़ एक साथ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप ही को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि भाई आप जो आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, जहाँ पढ़ने जाओगे, सिर्फ वहाँ पढ़ाई भी नहीं होगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको वहाँ पर ट्रेनिंग भी देगा, इन हैंड ट्रेनिंग आपको करवाया जाएगा वहाँ पर आपके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, है ना। तो इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप या तो आप ITI कीजिए, नहीं तो आप 12th कीजिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है स्कोप आफ्टर डूइंग ITI। तो भाई बहुत ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर ITI के बाद क्या स्कोप है।
क्या मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं आईटीआई के बाद, और अगर मुझे और अपना क्वालिफिकेशन अगर मुझे बढ़ाना है तो क्या करना सही रहेगा। तो पहला पॉइंट है आपका ये देखना होगा कि आपका जो फैमिली है वो मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। इन द सेंस मान लीजिए अगर आप आईटीआई कर चुके और आप अपना फर्दर और अपना क्वालिफिकेशंस बढ़ाने के लिए आप अपना सोच रहे हो कि और मुझे और भी पढ़ना होगा और भी फर्दर स्टडीज़ करना है, तो ये डिपेंड करता है अपना फैमिली के ऊपर, फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं आपका फर्दर स्टडीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा अगर फैमिली वाले सपोर्ट करें तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप अगर आपने आईटीआई किया तो आप आईटीआई के बाद आप अपना डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो जो कि सेकेंड ईयर से एडमिशन होता है, डिप्लोमा भी कर सकते हो। और आप डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आप बीटेक भी कर सकते हो सेकेंड ईयर से, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है फुल्ली अपने फैमिली के ऊपर। अब बहुत ऐसे फैमिली है जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आप आईटीआई के बाद अगर आप जॉब करते हो, क्योंकि आईटीआई के बाद भाई भरपूर जॉब रहता है, सरकारी जॉब भी रहता है, प्राइवेट जॉब भी रहता है, ठीक है ना। तो अगर आप जॉब के साथ साथ अगर आप डिप्लोमा या तो बीटेक करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। कम से कम आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ साथ जो आपको सैलरी मिल रहा है आप उस सैलरी से आप अपना डिप्लोमा में जो ट्यूशन फीस है वो सब अपना मैनेज कर सकते हो, बीटेक का जो फीस है आप वो मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो पढ़ाई, मतलब जॉब के साथ साथ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर जिनको पढ़ने में उतना और इंटरेस्ट नहीं है और वो चाह रहे कि बस इतना तक ही आप बस आईटीआई तक ही आप मुझे करना है, तो आप आईटीआई के बाद आप जॉब कर सकते हो। और अगर आप आईटीआई के बाद जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो आप अपने खुद के पैसा के साथ साथ, मतलब आपका खुद का पैसा बस उसमें लगे इन्वेस्ट हो, तो आप खुद से कर सकते हो। और अगर आपके फैमिली वाले चाह रहे कि भाई तुमने खाली आईटीआई किया है तो अब खाली अब इसके बाद डिप्लोमा कर दो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके फैमिली अगर ऐसे सपोर्ट करे तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड और भी वीडियोस ज़रूर आएंगे। बस आपको चैनल को सपोर्ट करना होगा, मेरे को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये सब वीडियोस बनाने में बहुत ही हालत ख़राब होता है, कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर करके लाना पड़ता है ना। तो बस मेरे इट्स रिक्वेस्ट कि आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आगे और भी जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके, जितने भी फैमिली फ्रेंड्स है ना, आप उसके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चले, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले कंटेंट के साथ, थैंक यू।